हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम अमरता रूपानी है और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक्सप्रेस एंट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कनाडा आने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि फैमिली क्लास स्पॉन्सरशिप, वर्क वीज़ा, स्टडी परमिट, सुपर वीज़ा या फिर विजिटर वीज़ा, जो कि कनाडा आने का सबसे आसान और बहुत ही फास्ट तरीका है अगर आपके पास रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हम एक्सप्रेस एंट्री के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 7 स्टेप्स हैं अप्लाई करने के लिए, जो कि मैं 1 by 1 कवर करूँगी डिटेल में। लेकिन इससे पहले आप ये चेक कर लें कि क्या आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है cic.gc.ca, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे एक्सप्रेस एंट्री और ये आपको इस पेज पे ले आएगा। तो इसका जो फर्स्ट लिंक है आप उसे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये टोटल 4 स्टेप्स बता रहे हैं, लेकिन मैंने 7 स्टेप्स में इसे कैटेगराइज़ किया है आपके लिए ईजी बनाने के लिए। तो जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे फाइंड आउट योर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे आपको ये इस पेज पे लेके आएगा, जहाँ पे आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एलिजिबिलिटी मालूम करने के लिए आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी पड़ेगी क्वेश्चनेयर में। तो यहाँ पे आप ये क्लिक करेंगे चेक योर एलिजिबिलिटी, तो आपको इस पेज पे लेके आएंगे और यहाँ पे आपको बस सिंपल क्वेश्चंस का आंसर देना है कि आप कौन से प्रोविंस में आना चाह रहे हैं, आपके लैंग्वेज टेस्ट में क्या स्कोर आया है, आपकी एज क्या है, आपकी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, और ये सारी बेसिक चीज़ें आपको बस आंसर करनी है। और उसके बाद जो भी क्वेश्चनेयर पूरे हो जाएंगे, आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो। और उसके बाद ये सारे स्टेप्स आपको बताएंगे जो आपको फॉलो करना है। तो ये रेफरेंस नंबर आप संभाल के रखें, क्योंकि आपको अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए काम आएगा। तो अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, तो आपका फर्स्ट स्टेप जो होगा वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना। आपके पास टेस्ट के लिए दो ऑप्शन है, या फिर इंग्लिश या फिर फ्रेंच। आप चाहें तो दोनों दे सकते हैं, इससे आपके पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं हर लैंग्वेज के नीचे, तो ये आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा टेस्ट देना है। और ये है रिक्वायरमेंट्स एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल होने के लिए हर टेस्ट के लिए। तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो आप चेक कर लें कि एक्सप्रेस एंट्री के लिए हर लैंग्वेज में कितना स्कोर चाहिए आपको मिनिमम इन ऑर्डर फॉर यू टू बिकम एलिजिबल। इन द मीन टाइम गेट योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इवेल्युएटेड बाय वन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि जब आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो आपको इस असेसमेंट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और असेसमेंट की वजह यह है कि ये लोग इंश्योर करना चाहते हैं कि आपकी डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स या फिर डिप्लोमास कनाडा में वैलिड है या नहीं है। एंड द फीस इज़ फ्रॉम $200 to $250 एंड द प्रोसेसिंग टाइम इज़ 1 to 4 months। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप जो अपनी डॉक्यूमेंट्स की इवेल्यूएशन है वो वेस्ट से करवाएं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम और इसकी फ़ीस है वो कम है, और जो आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे वेस्ट को वो बंद इन्वॉल्व में होने चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट की सील या फिर स्टैम्प भी लगा होना चाहिए आपके बंद इन्वॉल्व पे। और अगर आप वेस्ट की रिक्वायरमेंट्स सील्ड इन्वॉल्व के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने वेस्ट की ऑफिशियल वीडियो जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है NOC फाइंड करना। NOC एक नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड सिस्टम है, जिसमें आप अपनी जॉब को क्लासीफाई करते हैं, यानी कि आपकी जॉब कौन से प्रोफेशन से है, कौन कौन सी जॉब ड्यूटीज़ करते हैं आप, या फिर आपका जो प्रोफेशन लेवल है वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। और यहाँ पे टोटल 5 स्किल लेवल्स हैं, 0, A, B, C एंड D। और गाइज, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका प्रोफेशन, डिग्री या फिर जो डिप्लोमा है वो शुरू के 3 स्किल लेवल से होना चाहिए, यानी कि 0, A, B, तभी आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आप अपना NOC कैसे ढूंढ सकते हैं, इसका बहुत ही इजी मेथड है। सबसे पहले हम इस पेज को जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये फ़िल्टर आइटम्स का बॉक्स आएगा, इसमें हम अपना प्रोफेशन या फिर आप अपनी फील्ड लिखेंगे। मैंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियर लिखी है, तो इसने मुझे मेरा कोड दे दिया है जो कि स्किल लेवल A से बिलोंग करता है, और मेरा कोड है 2141। और फिर मैं सर्च पेज को दबाऊँगी जो नीचे टैब था, और वो मुझे यहाँ इस पेज पे लेके आएगा, और मैं सर्च बाय NOC कोड करूँगी, अपना NOC ऐड कर लूँगी 2141,
और आपको जो भी अपना NOC मिला है प्रोफेशन से रिलेटेड वो आप यहाँ पे ऐड करें। तो यहाँ पे ये मुझे सारी डिटेल्स आ जाएंगी इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स जो जो करते हैं, जैसे कि सारे टाइटल्स जो मैं यूज़ कर सकती हूँ या फिर जिन जिन टाइटल्स के लिए मैं जॉब कर सकती हूँ, जैसे कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, प्लांट इंजीनियर। तो ये सारे पॉसिबल टाइटल्स हैं जिनके लिए मैं जॉब अप्लाई भी कर सकती हूँ और इन जॉब्स में मैं काम भी कर सकती हूँ। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है मेन ड्यूटीज़ का, कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स कौन कौन सी ड्यूटीज़ करते हैं जॉब पे, और एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स में इन्होंने ये बताया है कि आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए और PEng लाइसेंस भी ज़रूरी है टू प्रैक्टिस एज एन इंजीनियर। तो ये सारी चीज़ें आपको NOC कोड में मिल जाएंगी, तो आप भी अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपना NOC फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप अपनी जॉब पे कौन कौन सी ड्यूटीज़ यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे आप मैच करें और उसी हिसाब से आप भी अपना NOC फाइंड आउट करें। तो ये सुपर इजी है और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। सो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल जस्ट टू शो यू हाउ टू गेट NOC कोड एंड दिस इज़ माई कोड दैट आई विल बी यूजिंग फॉर माई प्रोफाइल इफ़ आई क्रिएट वन। अब जो चौथा स्टेप है वो है आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करना। अब इस पॉइंट पे आपके पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, आपके लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स, आपका ECA रिपोर्ट और आपका NOC कोड, क्योंकि इन तीन चीज़ों के बगैर आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नहीं क्रिएट कर सकते। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं। आपको अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट cic.gc.ca पे, और IRCC अकाउंट बनाना बहुत ही ईजी है, आपको बस ये जो भी डायरेक्शंस देते जाएंगे पेज पे वो फॉलो करने हैं। एंड गाइज इट शुड बी डन फ्रॉम option 1 दैट इज़ GC key, सो जस्ट फॉलो द स्टेप्स, मेक एन अकाउंट, और जैसे ही आपका IRCC अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। और गाइस क्योंकि मुझे इस वीडियो को शॉर्ट रखना था इसलिए मैंने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाना इसमें नहीं बताया, लेकिन मेरी अगली जो वीडियो होगी वो भी हिंदी में होगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। और जब आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना के सबमिट कर देंगे उसके बाद बस आपको वेट करना है अपने ITA का, because during the process time you will be ranked in the express entry pool using a points based system called CRS. CRS एक पॉइंट सिस्टम है जिसके बेसिस पे आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल जो है वो चेक होता है और उसी के हिसाब से आपका जो प्रोफाइल है वो रैंक होता है एक्सप्रेस एंट्री पूल में। हायर द स्कोर द मोर चांसेस फॉर यू टू रिसीव एन इनविटेशन टू अप्लाई। अभी जो रीसेंट एक्सप्रेस एंट्री ड्रा हुआ है जो कि दिसंबर 9th को हुआ था उसमें टोटल 5000 ITAs इशू हुए थे और इसका जो कट ऑफ स्कोर था वो था 469। तो गाइस यूजुअली जो कट ऑफ स्कोर आता है वो 470 या फिर 470 से ज़्यादा आता है। बेस्ड ऑन दिस ईयर्स एंड लास्ट ईयर्स डेटा द कट ऑफ स्कोर हैज़ बीन सुपर हाई, और आप में से काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं मुझसे कि आपका CRS स्कोर कितना होना चाहिए ITA के लिए। तो इन सब ड्रॉज के बेसिस पे एटलीस्ट आपका स्कोर 469 तो होना ही चाहिए इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट ITA। ओके, वाइल वेटिंग फॉर योर ITA यू शुड स्टार्ट गैदरिंग योर डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज हैविंग योर डॉक्यूमेंट्स रेडी विल मेक इट ईजियर टू अप्लाई ऑन टाइम। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ अपलोड करके सबमिट करने के लिए। और गाइस कनाडा का जॉब ऑफ़र जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास PNP है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और आपको एडिशनल 600 पॉइंट्स मिल सकते हैं, और वो कैसे मिलेंगे वो मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में बताऊँगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंड्स और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। आपको अपनी सेविंग की सर्टेन अमाउंट दिखानी पड़ेगी जिसके बेसिस पे आप IRCC को ये दिखा सकें कि आप कनाडा में शुरू के कुछ अरसे तक सेटल हो सकते हैं। और यहाँ पे प्रूफ ऑफ फंड्स की इन्होंने टेबल दी हुई है जो कि इसी साल इन्होंने कुछ अमाउंट जो है वो बढ़ा दी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कनाडा में कितने फैमिली मेम्बर्स आने वाले हैं, तो उसी के बेसिस पे ही आपको उतनी ही अमाउंट दिखानी पड़ेगी। ये टेबल जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो आप चेक कर लें। ITA मिलने के बाद आपका जो अगला स्टेप है वो है एप्लीकेशन सबमिट करना। COVID-19 से पहले आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट करने की जो टाइमलाइन थी ITA मिलने के बाद वो थी 60 डेज़, लेकिन अब COVID-19 की वजह से
आपके पास पूरे 90 डेज हैं अपनी पीआर एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए। और क्योंकि आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं पीआर के लिए, तो उसके लिए आप अपने आईआरसीसी अकाउंट में जाएंगे जीसी की के थ्रू, जैसे मैंने आपको दिखाया पहले। और उसके बाद आपके एक्सप्रेस एंट्री के अंडर एक लिंक आएगा पीआर एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए, तो आप वहाँ पर जाएंगे और वहीं पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। और आपकी जो पीआर एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 1325 अगर आप अकेले हैं, लेकिन आपके स्पाउस के साथ वो एक्स्ट्रा 1325 होंगी। आईआरसीसी ने इस साल से फ़ीस भी बढ़ा ली है पीआर एप्लीकेशन के लिए। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 6 मंथ्स, लेकिन कोविड की वजह से शायद ये ज़्यादा भी हो सकता है। एंड गाइस, कैनेडा इमिग्रेशन ने कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारी चेंजेस किए हैं उन लोगों के लिए जो कि अभी कनाडा ट्रैवल करेंगे, चाहे वो पीआर हो, सिटीजन हो या फिर कोई भी स्टेटस हो। कनाडा गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है नवंबर 21st से, जो कोई भी कनाडा ट्रैवल करेंगे उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ऑनलाइन इसी ऐप के थ्रू डिजिटली सबमिट करवानी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो ऐप कौन सी है। इस ऐप का नाम है अराइव कैन और इसका पर्पज़ ये है कि कोविड-19 को फैलने से बचाया जाए और आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से और सिक्योरली सबमिट हो जाए। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है इस ऐप के बारे में, वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इस ऐप को कैसे यूज़ किया जाता है और आप अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे थम्स अप दे दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है बहुत ही यूज़फुल। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक यू टेक केयर एंड आई विल सी यू अगेन।